चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो खबरें हम आपके लिए लेकर आते हैं। इस समय जो ट्रेंड कर रही है खबर, विराट कोहली की। जी हाँ, सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है उनकी स्ट्राइक रेट, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गई है। और तो और, हार्दिक पांड्या, उनकी कप्तानी भी खूब चर्चा का विषय बनी हुई है। तो इन दोनों मुद्दों पर हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप भी अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ अगर आप अपने विचार साझा करना करें तो हमें बहुत खुशी होगी। और क्योंकि ये मंच आपका और हमारा दोनों का मंच है, तो जाहिर सी बात है कि अब हम शुरुआत बिना कोई देरी किए हुए करते हैं। हार्दिक पांड्या से शुरुआत करते हैं। हार्दिक पांड्या के बारे में साइमन डूल और एक और खिलाड़ी एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनकी कप्तानी में दम नहीं है। उन्होंने बीसीसीआई को सलाह दी है कि वो रोहित शर्मा की जो के वो सक्सेसर नहीं बन सकते, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि उनकी कप्तानी जो है उनको कप्तान, ठीक है मुंबई इंडियंस के कप्तान है, उस पर बीसीसीआई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान को लेकर उन्होंने जो कुछ बीसीसीआई के दिमाग में चल रहा है, भविष्य के कप्तान उन्हें कहा गया, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि वो बहुत नाजुक मौकों पर रणनीतिक भूलें कर बैठते हैं, स्ट्रेटजिकली उनकी जो कमजोरियां हैं वो सामने आती हैं, उसकी नेतृत्व क्षमता जो है उनकी प्रभावित होती है जब भी कभी दबाव के क्षण आते हैं। वैसे एक बात बताएं, आप भी शायद मुझसे इत्तेफाक रखें कि अमूमन देखा गया है कि जो कप्तान है जब वो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, उसकी टीम जीतती है, तो सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। और जब उसका अपना परफॉर्मेंस खराब होता है या टीम नहीं जीत पाती, तो भी जो है वो आलोचनाओं के केंद्र में आ जाता है। हार्दिक पांड्या के साथ कुछ कुछ ऐसा ही है, क्योंकि उनका अपना परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। पिछले 4 मैचों में अगर देखें तो उनका 21 रन का सर्वाधिक स्कोर रहा है, और आईपीएल में उनकी जो इकोनॉमी है 10.94 की उनकी इकोनॉमी है, और इसके अलावा 6 मैचों में उन्हें केवल 4 विकेट मिले हैं। और जो जिस तरह से धोनी के ने 4 गेंदें उनके सामने खेली और उस मैच में 4 गेंदों में 3 छक्के उन्होंने लगाए, 1-2 रन उन्होंने दौड़ कर लिए, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये खिलाड़ी कितना जूझ रहा है। जब कोई खिलाड़ी जब जूझता है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तो आप देख सकते हैं, जैसे कि आप इस चेहरे पर देख सकते हैं एक हल्के से मुस्कुराहट, लेकिन ये मुस्कुराहट जो है एक दिखावटी मुस्कुराहट है। क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से वो परेशान है, जिस तरह से टीम जीत नहीं पा रही, जिस तरह से उनका परफॉर्मेंस बुरी तरह प्रभावित हो रहा है, उनके दांव जो है वो गलत साबित हो रहे हैं, क्योंकि एडम गिलक्रिस्ट ने भी इन्हीं सब सवालों पर मुद्दों पर अपना एक तथ्य रखा है, फैक्ट्स रखे हैं उन्होंने। उनका कहना है कि वो जब बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव करते हैं वो कारगर नहीं रहते, जब बॉलिंग में बदलाव करते हैं वो कारगर नहीं रहते। ये दरअसल किसी का जब वक्त बुरा होता है तो ये सारी चीजें खुद ब खुद सामने आ जाती हैं। हम कोई हार्दिक पांड्या का इस मामले में बचाव नहीं कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जो है उसको हमें बताना हमारा कर्तव्य बनता है। और आप भी शायद मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हो, क्योंकि जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तब आप ज्यादा अच्छे तरीके से जो है कप्तानी के बारे में बड़े फैसले लेने में माहिर माने जाते हैं। आपके फैसले सटीक बैठते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल उस समय बहुत अच्छा होता है। तो हार्दिक पांड्या के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस लेवल का दिखाई नहीं दे रहा। एक लाला मंसूर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन भैया मेरी आपसे गुजारिश है, हाथ जोड़कर, आपने जो कुछ लिखा है वो हम पढ़ नहीं पा रहे क्योंकि उर्दू में है, और अगर आप उसको हिंदी में या इंग्लिश में लिखकर भेजें तो हमें जरा सहूलियत होगी और हम आपकी बात का जवाब भी दे पाएंगे। आयुष राज कह रहे हैं, संजय मांजरेकर ने कोहली को टीम में क्यों नहीं रखा? वही स्ट्राइक रेट का मसला है, क्योंकि स्ट्राइक रन तो वो बना ही रहे हैं, रनों का अंबार लगा रहे हैं, और इतने रन बनाए उन्होंने जो आईपीएल में कोई और खिलाड़ी नहीं बना पाया, ना कोई देसी ना कोई विदेशी, लेकिन स्ट्राइक रेट का मसला ये है। आलम अगर आप देखेंगे तो कभी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ 43 गेंद पर उनकी 51 रन की पारी, और ये अभी हम आते हैं इस मुद्दे पर भी, विराट कोहली पर भी आते हैं आयुष जी थोड़ी देर में। और ब्रजेश कुमार कह रहे हैं कि हार्दिक पांड्या होना चाहिए वर्ल्ड कप में, लेकिन होना तो चाहिए जनाब, लेकिन हमें वो हार्दिक पांड्या चाहिए ना जो विस्फोटक अंदाज में चौके छक्के लगाता है, जो एक अच्छा फिनिशर है। अब आप रिंकू सिंह हैं हमारे पास ले देकर, शिवम दुबे चौके छक्के लगा रहे हैं, लेकिन वो नंबर 4 पर प्रमोट किए गए, ये मत भूलिएगा, नंबर 4 पर उनको बल्लेबाजी करने के लिए मिलेगी नहीं अगर भारतीय टीम में वो खेलेंगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ऑलरेडी नंबर 4 पर मौजूद हैं। तो ऐसी स्थिति में
वो उनका नंबर आएगा नंबर 6 या नंबर 7, और नंबर 6-7 पर उनका जो परफॉर्मेंस है बहुत हल्का रहा है, 104 का या 108 का ऐसा कुछ स्ट्राइक रेट रहा है, जो T20 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के हिसाब से बिल्कुल उत्साहवर्धक नहीं कहा जा सकता, बल्कि खराब ही कहना ठीक होगा, क्योंकि आप एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पटेल राहुल कह रहे हैं बिना कोहली, अरे जनाब कोहली साहब पे मैं अभी आ रहा हूँ, पटेल राहुल जी आयुष आप भी इंतजार कीजिए। आयुष ने कहा है रिंकू को भी नहीं रखा, संजय मांजरेकर ने नहीं रखा, बिल्कुल उन्होंने तो शुभमन गिल को नहीं रखा, विराट कोहली को नहीं रखा, उन्होंने रिंकू सिंह को नहीं रखा, उन्होंने शिवम दुबे को नहीं रखा, और तो और उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी, ये मुस्कुराते हुए, हार्दिक पांड्या को भी अपनी टीम में शामिल नहीं किया। खैर ये उनके उनका अपना फैसला है, हमारा मुद्दा यहाँ पर यह है कि बैटिंग पोजीशन को लेकर या बॉलिंग चेंजेस को लेकर जो एडम गिलक्रिस्ट ने सवाल उठाए हैं, बीसीसीआई को मशविरा दिया है उन्होंने कि ऐसे खिलाड़ी को रोहित शर्मा का सक्सेसर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि ये खिलाड़ी अगर भारतीय क्रिकेट टीम में जगह पाता है तो आप उसको कप्तान के तौर पर उसको प्रेजेंट करते हैं, लेकिन रोहित शर्मा का जो लेवल है वो एकदम अलग लेवल है, ये एडम गिलक्रिस्ट कह रहे हैं, ये साइमन डूल कह रहे हैं, और ये अपने आप में दर्शाता है कि दुनिया भर में रोहित शर्मा की कप्तानी का जलवा है, उनकी कप्तानी को हर कोई बहुत कद्र करता है। लेकिन हार्दिक पांड्या, अब सवाल यहाँ पर साइमन डूल ने ये भी उठाया है कि जब वो गुजरात टाइटंस में थे तब उनकी कप्तानी बहुत आला दर्जे की होती थी, बिल्कुल सही बात है, और उनकी कप्तानी में क्योंकि उनका अपना परफॉर्मेंस अच्छा होता था, वो लीड ऑफ द फ्रंट जो है खुद आते थे बॉलिंग करने के लिए, पहला ओवर या दूसरा ओवर डालते थे, तो वहाँ पर उनका जो शुरुआती ओवरों में आना और कामयाब होना, यही दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अब प्रभावित हुआ है, बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जो उस समय उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ऊपर था, जिसकी वजह से गुजरात टाइटंस को उनकी कप्तानी का बहुत फायदा हुआ, और भाई एक दो आयोजनों में से एक में फाइनल में पहुँचना अपनी टीम का और एक में फाइनल जिताना, पहले ही आयोजन में फाइनल जिताना, ये अपने आप में दर्शाता है कि ये खिलाड़ी एक मुकम्मल खिलाड़ी था, और इनके जो प्रयोग थे वो कारगर थे, क्योंकि इनका अपना परफॉर्मेंस अच्छा था। जब कप्तान अच्छा परफॉर्मेंस करता है तो वो 100% अपनी कप्तानी में भी देता है, जब उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होता है तो वो कप्तान के तौर पर उतना कामयाब नहीं हो पाता, उसको अपने डिसीजन लेने में अनिश्चितता की स्थिति बनी रहती है, यही अनसर्टेनिटी जो है हार्दिक पांड्या के परफॉर्मेंस को बुरी तरह से प्रभावित कर रही है। अब दूसरा मुद्दा लेते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब लूंगा अभी कुछ ही देर में। पटेल राहुल कह रहे हैं हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट प्लेयर है, विराट कोहली के साथ मिलके अच्छी पार्टनरशिप की थी, हाँ मेलबोर्न में बिल्कुल अच्छी पार्टनरशिप की थी उन्होंने, और वाकई एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और जिस तरह से उनका ऑलराउंड खेल जो है टीम के लिए बहुत उपयोगी साबित होता है समय समय पर हमने देखा, लेकिन आज की जो करंट सिनेरियो है उसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये भी आ जाती है ना उनके साथ कि वो परफॉर्म करते हैं और उसके बाद अनफिट हो जाते हैं, उनका इंजरी प्रोन शरीर है, क्योंकि जिस तरह से आप देखें 2021 का वर्ल्ड कप T20 का वर्ल्ड कप देखें, तब एज अ बैट्समैन वो टीम में खेले, बॉलिंग वो कभी कभी किया करते थे, लोअर बैक की उनकी प्रॉब्लम थी, उसके बाद जो पिछले साल जो वर्ल्ड कप खेला गया वहाँ भी बांग्लादेश के खिलाफ मैच में फील्डिंग करते हुए वो इंजर्ड हो गए थे, मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था, जिसकी वजह से उनको रुखसत होना पड़ा, टूर्नामेंट में वो दोबारा उतर ही नहीं पाए, तो ये एक कुछ परेशानियां हैं हार्दिक पांड्या के साथ। अब बात करते हैं विराट कोहली की। जी हाँ, विराट कोहली इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय है, एक ऐसा खिलाड़ी जो IPL में खूब रनों का अंबार लगाता है, ऑरेंज कैप है जिसके पास, कोई उनकी ऑरेंज कैप के आसपास पटक नहीं पाता, कभी जो है कोई एक खिलाड़ी अगर उनके आसपास आता भी है तो कुछ समय बाद वो नीचे आ जाता है, यानी नंबर दो की जो जंग है उसको लेकर वो संघर्षपूर्ण हो गई है, नंबर वन पर वो विराजमान है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस परफॉर्मेंस के आधार पर उनको T20 वर्ल्ड कप में चुना जाना चाहिए। संजय मांजरेकर तो कहते हैं बिल्कुल नहीं चुना जाना चाहिए, सुनील गावस्कर की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, सुनील गावस्कर ने तो ये कहा है कि भाई स्ट्राइक रेट बहुत बड़ा मसला होता है टॉप ऑर्डर में, आपके पास समुचित गेंदे हैं खेलने के लिए और आप अगर उनका इस्तेमाल नहीं कर पाते ये टीम के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। तो जिस से जो ये मैच था सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ जो RCB ने खेला, मुकाबला जरूर जीता, ठीक है आक्रामक खेले नो डाउट, लेकिन उसके बाद 7वें ओवर से लेकर 15वें ओवर तक एक भी चौका ना लगाना कई तरह के सवाल खड़े कर, इस पर भारतीय
जितने चिंतक हैं, भारतीय जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं, उनकी वो आलोचनाओं के केंद्र में आ गए हैं। और क्योंकि ऐसा एक बार नहीं, कई बार ऐसा देखने को मिला। सेंचुरी कहने के लिए उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, 113 रन की पारी खेली थी, लेकिन 70 से ज्यादा गेंदे उन्होंने खर्च की और आईपीएल के इतिहास की सबसे स्लोएस्ट सेंचुरी जो है उसका तमगा उनको मिला, क्योंकि वो सबसे धीमी सेंचुरी थी उनकी। और एक 83 रन की पारी देखिए आप, 59 गेंदों पर जो उन्होंने खेली थी केकेआर के खिलाफ, वहाँ भी उनका जो स्ट्राइक रेट था 140 के आसपास स्ट्राइक रेट था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जितनी बड़ी पारियाँ होती हैं उतना ही आपका स्ट्राइक रेट अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको ज़्यादा गेंदें खेलने को मिलती हैं, आपको ज़्यादा चौके और छक्के लगाने का अवसर मिलता है। लेकिन जहाँ कहीं ना कहीं विराट कोहली चूक जाते हैं, तो यही एक परेशानी का सबब है। लेकिन एरन फिंच, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्व कप्तान, वो उनके फेवर में आए हैं। उन्होंने बहुत साफ तौर पर कहा है कि रन बनने चाहिए, तेजी से रन बनने चाहिए, रन गति कम नहीं होनी चाहिए, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ज्यादा मायने नहीं रखता, कोई मायने नहीं रखता। उन्होंने कहा अगर उनका 118 का स्ट्राइक रेट है तो आप ये मत भूलिए कि उस वक्त रन बन रहे थे जब विराट कोहली टीम में उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे, चाहे वो रजत पाटीदार के बल्ले से रन बन रहे हो जिन्होंने 4 छक्के जो शानदार तरीके से लगाए मयंक मार्कंडे पर, और उसके अलावा जब रन बन रहे हैं और वो स्ट्राइक रोटेट करके रन गति में सहयोग दे रहे हैं, तो उन पर उन्हें बलि का बकरा नहीं बनाना चाहिए, एरन फिंच का ऐसा साफ तौर पर कहना है। चलिए मैं आपके कुछ सवाल ले लेता हूं जो विराट कोहली से संबंधित, आपके सवाल ज्यादातर सवाल जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं। और पटेल राहुल, बिना कोहली के सेमीफाइनल जाना भूल जाओ। बिल्कुल, देखिए एक प्लेयर तो ऐसा होना चाहिए जो लंबी पारी आपकी खींच सके और उसके साथ साथ रन बने, और यदि रन नहीं बनते हैं तो विराट कोहली एक्सेलरेट करना भी जानते हैं। और आप मत भूलिए कि एक मैच था जिसमें उन्होंने 20 गेंदों पर 42 रन बनाए थे, इसी सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ पहले मैच में, वो पावर प्ले था। मैं चाहूंगा कि वो इसी अंदाज में खेलें, अगर पावर प्ले में ज्यादा कंफर्टेबल है तो पावर प्ले में इतने रन बनाए जैसे यशस्वी जायसवाल हाफ सेंचुरी तक पूरी कर लेते हैं अपने पावर प्ले में, उसी अंदाज में वो बल्लेबाजी करें। क्योंकि अब यशस्वी अगर नहीं होते या अगर वो उनको नीचे उतरना पड़ता है और विराट को ओपन करना पड़ता है T20 वर्ल्ड कप में, तो उनको यशस्वी से बेहतर खेल का मुजाहरा करना होगा। ये नहीं कि रोहित शर्मा रन बना रहे हैं तो ये अपना विकेट बचाकर खेलें, विकेट बचाने के लिए आप नहीं हैं, आप ओपनर हैं। ओपनर का काम ही यही है, 30 गज का जो दायरा होता है उसके ऊपर से चौके छक्के लगाना, ये एक ओपनर की एक जिम्मेदारी होती है। और मैं समझता हूं कि उसका निर्वाह उन्हें करना होगा, और ये नहीं कि पावर प्ले खत्म हो जाए तो उसके बाद अपनी पारी को आप बिल्कुल निर्जीव कर दें या उसको बिल्कुल ही स्ट्राइक रोटेट करने सीमित कर दें। ये कुछ एक बुनियादी चीजें हैं जो उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हालांकि विराट कोहली एक बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और वो एक तरफ जब रन बनते हैं तो उनका मकसद यही होता है कि टीम के रनों में इजाफा हो, परफेक्ट टीम मेंबर है इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हमें पंजाब किंग्स के खिलाफ जो उनकी पारी थी 49 गेंदों पर 77 रन की, वो पारी भी बहुत अद्भुत थी, बहुत ही शानदार थी, जिसमें 157 के स्ट्राइक रेट से वो खेलते हुए दिखाई दिए थे। तो यहाँ रियान पराग का, पटेल राहुल जी कह रहे हैं रियान पराग का सर कोहली के भी क्या है, सर रियान पराग का स्ट्राइक रेट भी कोहली से कम है बोल रहे हैं, पटेल राहुल जी बोल रहे हैं। रियान पराग, देखिए मैं ऐसे, अभी युवराज सिंह ने थोड़ी देर पहले अभिषेक शर्मा के बारे में टिप्पणी की कि अभी उनको, मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, उन्होंने कहा कि उनका, क्योंकि वो टीम इंडिया में पहले कभी खेले नहीं है, अभी उनको मैच्योरिटी के लिए 6 महीने कम से कम लगेंगे, क्योंकि अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में तब्दील ना कर पाना उनकी सबसे बड़ी परेशानी है। और इस परेशानी से बचने के लिए जरूरी होगा कि अभी अभिषेक शर्मा को तैयार किया जाए आगे के लिए। सर रियान पराग के लिए पूछ रहे हो? हाँ, मैं ये उदाहरण दे रहा हूँ अभिषेक शर्मा का। लेकिन रियान पराग का जहाँ तक सवाल है, रियान पराग शुरुआती नंबर 4 पर बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं, नंबर 4 पर उनको जगह मिलने वाली है नहीं, यही शिवम दुबे की दिक्कत है, यही रियान पराग की दिक्कत है। अब रियान पराग क्योंकि खेले नहीं है ज्यादा, और भारतीय टीम से जो खिलाड़ी खेला हो, यही युवराज सिंह का मैंने उदाहरण दिया कि जो पहले खेल चुका हो उसी को वर्ल्ड कप में उतारना चाहिए, एकदम युवा खिलाड़ी को सीधा वर्ल्ड कप में उतारना आत्मघाती साबित हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है। तो बेहतर यही होगा कि ऐसे खिलाड़ी को खिलाएं जो पहले वर्ल्ड कप खेल चुका हो, और उसके लिए मैं समझता हूं कि अभिषेक शर्मा का तो उन्होंने उदाहरण दिया, या मैं रियान पराग का उसी डेफिनेशन में उनको फिट कर रहा हूं कि वो भी अगर टीम में नहीं खेल पाते हैं या अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो इसी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको भारतीय टीम में चुनना बहुत मुनासिब नहीं होगा। तो बेहतर यही है कि ये आईपीएल को आधार
मत बनाइए। आईपीएल में आप करंट फॉर्म देख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसको अगर आप आधार बनाते हैं तो उसके परिणाम जो है बहुत अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है, कई ऐसे खिलाड़ियों को देखा है जिन्होंने सीधा आईपीएल में अच्छा परफॉर्मेंस किया, उनको वर्ल्ड कप की टीम में चुन लिया गया और उसके बाद वो वैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाए। आयुष राज हिंदी में बोलो लाला मंसूर, ये क्या किन के लिए कह रहे हैं आप? वो उर्दू में बोल रहे हैं ना? अच्छा अच्छा हाँ, उर्दू में जो लिखा है मैं चाहूंगा कि आप हिंदी में, लाला जी आप अपनी बात को रखिएगा। केडी राजपूत साहब आजकल बड़े एक्टिव हो गए हैं, हमारे एक जागरूक हमारे श्रोता हैं। विराट को बैक स्पैम्स होगा पहले वर्ल्ड कप में, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वर्ल्ड कप से पहले उसको बैक स्पैम होगा, कहना चाह रहे हैं? क्यों होगा ऐसा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? उनकी फिटनेस का तो देखो कोई जवाब ही नहीं है और वो रन भी बना रहे हैं, लेकिन वही है कि पावर प्ले में ही रन बनाना काफी नहीं होता, पावर प्ले के बाद उसको कैरी फॉरवर्ड करना, उसको मेंटेन करना, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। तो बेहतर यही होगा कि वो आगे भी इसी तरीके से रन बनाते रहें और ये ना देखें कि अपोनेंट जो है, अपोनेंट प्लेयर अगर वो रन बना रहा है या उनका जो दूसरे छोर का खिलाड़ी है वो रन बना रहा है, वो देखना मेरे ख्याल से उतना ज्यादा महत्व नहीं रखता, क्योंकि ये 50 ओवर का क्रिकेट नहीं है, ये T20 का क्रिकेट है। यहाँ पर आपकी अगर आपका विकेट गिर भी जाता है, अगर आप तेज खेलते हुए विकेट अपना गवा भी देते हैं तो भी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपको 10 ओवर मैं समझता हूँ एक ओपनर के लिए काफी होते हैं। जरूरी नहीं है कि एक ओपनर जो है पूरे 20 ओवर तक बल्लेबाजी करे और अपने बीच में एक्सेलरेट करे, बीच में उस टिककर खेले, तो उससे कहीं अच्छा है कि और प्लेयर्स को भी मौका मिले और जो आपके शुरू के जो 5 या 6 बल्लेबाज हैं मिलकर स्कोर को 200 के जितना करीब तक पहुंचाएंगे उतना टीम के लिए अच्छा रहेगा। कोई और सवाल है? सब ब्रिजेश कुमार कह रहे हैं कि इस वर्ल्ड कप में यंगस्टर के साथ जाएगी टीम इंडिया या नहीं? देखिए उन यंगस्टर्स के साथ तो मैं नहीं जाना चाहूंगा कि जो पहली बार खेल रहे हैं। अब देखिए अभिषेक शर्मा के लिए युवराज सिंह जी बोल बैठे हैं जो कि उनके मेंटोर हैं, और भी कई खिलाड़ी हैं, रियान पराग जो है, शिवम दुबे हैं, नंबर 4 पर इनका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ है, उन्हें बैटिंग ऑर्डर में प्रमोट किया गया, क्या उन्हें भारतीय टीम में नंबर 4 पर खिलाया जाएगा? मुझे तो नहीं लगता। जब नहीं खिलाया जाएगा तो नंबर 6 और नंबर 7 की जगह उनके लिए खाली है, वहां पर आप उनको ट्राई कर सकते हैं, लेकिन नंबर 6 और नंबर 7 पर इन खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस कैसा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। जी तो लाला मंसूर ये पूछ रहे थे कि आरसीबी को टॉप 4 में जाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए होंगे? अरे अभी तो बहुत पीछे है जनाब, अभी तो 2 ही मैच उसने जीते हैं, अभी तो कम से कम उसे 3 मैच जीतेगी तब वो होड़ में आएगी और उसके बाद फिर उसको आगे का सिलसिला, आगे जीत का सिलसिला आगे बनाना होगा, बढ़ाना होगा। तो कम से कम 5 मैच वो जीते, 4 मैच जीतेगी तो होड़ में आएगी, यानी 2 मैच और जीतेगी तब हम उनकी गणना करने के लायक समझेंगे, उसके बाद अच्छे रन रेट का परिचय देते हुए रन बनाए वो और जीते, जीतना ज्यादा जरूरी है, रन रेट बाद में आता है। तो ये है सूरत हाल अब तक का, और कोई अब तक हमारे साथ जो जितने लोग जुड़े हुए थे उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। विवेक बम्बार से सर संदीप शर्मा को टीम में होना चाहिए, बिल्कुल आपके विचार वीरेंद्र सहवाग से बड़े मिलते हैं जनाब। सहवाग यही कह रहे हैं कि संदीप शर्मा को खिलाइए, वाकई मैं उनका स्ट्राइक रेट देख रहा था या इकोनॉमी देख रहा था, वाकई बहुत बढ़िया है उनकी इकोनॉमी, तो जैसा परफॉर्मेंस है और जिस तरह का स्विंग है उनके पास, जिस तरह स्विंग पर अब कंट्रोल करना उन्होंने सीख लिया है और दोनों तरफ उनकी गेंदें अब सीम मूवमेंट से एक अच्छा खासा मूवमेंट लेती हुई दिखाई देती हैं, तो मैं तो व्यक्तिगत तौर पे चाहता हूं कि आपकी बात बिल्कुल सही हो। चलिए फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और हार्दिक पांड्या के बारे में आप इन सब बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं और विराट कोहली को कितना स्ट्राइक रेट पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, एरन फिंच की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, ये सब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।